मैं आत्मा हूँ यह निश्चय करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अविचार से जीव को बंधन होता है एवं विचार से मुक्त होता है। यदि बंधन वास्तविक होता तो कभी भी आत्मस्वरूप के निश्चय मात्र से मुक्त नहीं होता, उसके लिए उचित कर्म करना पड़ता। बंधन अगर सचमुच में होता तो फिर यह कभी भी जीव मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है वो नित्य रहता है। अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो वो सदा रहेगी, बर्फ का स्वभाव शीतल है सदा रहेगा। अगर जीव का बंधन सत्य होता तो फिर वो सदा ही रहेगा, क्योंकि धर्मी धर्म का नित्य संबंध होता है, धर्मी धर्म का संबंध कभी हटता नहीं। अगर नीम कड़वा है तो वो नीम कड़वा ही रहेगा, वो मधुर नहीं होगा। अग्नि गर्म है गर्म ही रहेगी, शीतल नहीं। तो अगर जीव का बंधन होता सत्य में तो फिर ये कभी मुक्त नहीं हो पाता, लेकिन जीव का बंधन अज्ञान से है, इसीलिए ज्ञान से यह छूट जाता है। जीव का वास्तविक बंधन नहीं है, अज्ञान से जीव ने बंधन माना है, ज्ञान से ही छूट जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः।